हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड कैसे हो आप सभी लोग। और यहाँ पे गाइस फाइनली बीजीएमआई जो है यहाँ पे अनबैन होगा या फिर बैन होने वाला है। अगर यहाँ पे ये अनबैन होता है एंड इसके डाटा ट्रांसफर होते हैं तो आपको कैसे करने डाटा ट्रांसफर, एंड जो इसका न्यू एप्लीकेशन आएगा उसे कैसे इंस्टॉल करना है, क्या बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर गाइस आप वीडियो को लाइक करना एंड जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना उसको फटाक से प्रेस कर दो गाइस। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि बीजीएमआई इंडिया में बैन नहीं हुआ है, इसको जो है गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया, मतलब सिर्फ ब्लॉक किया गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस गेम को ओपन करोगे तो आप गेम को खेल सकते हो। अगर बैन हुआ रहता तो इसके सर्वर भी हट गए रहते गाइस। ठीक है, सो यहाँ पे गाइस मैं एक गुड न्यूज आपको दे दूं कि बीजीएमआई का जो न्यू एपीके आने वाला है वो बन के रेडी हो चुका है एंड वहाँ पे अकाउंट भी बन चुके गाइस। अभी वो टेस्टिंग मोड में है, मतलब जो बीजीएमआई की जो टीम है वो उस चीज़ पे वर्क कर रही है। बिकॉज आप सभी को मालूम होगा पबजी मोबाइल भी बैन हुआ था, बीजीएमआई भी बैन हुआ, इन दोनों के कारण मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी है वो सब चीज़ों को लेके था। तो इस बार गाइस ये थर्ड टाइम होने वाला है कि आप जो है अपना डाटा ट्रांसफर करोगे, मतलब थर्ड एप्लीकेशन में। सो इस बार गाइस बीजीएमआई के जो टीम से वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इस बार कोई भी उनसे कुछ गलती हो या फिर कोई चूक हो। सो इस बार जो भी चीजें होने वाली है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल होने वाली है एंड क्या ही मजा आने वाला है। सो ये एक चीज तो कंफर्म हो गया गाइस कि बीजीएमआई 99.9% तो वापस आने वाला है इंडिया में। हो सकता है इसका जो एपीके हो वो आपको कुछ इसी तरह से दिखे लेकिन थोड़ा सा अलग होने वाला है, एक पूरा नया होने वाला है एक्चुअली में एपीके। एंड ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे ही मिलेगा एंड ऐप स्टोर पे मिलेगा, जहां से आप सिंपली से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। एंड हो सकता है ऐसे जो नाम है वो चेंज हो जाए गाइस। बिकॉज गाइस यहाँ पे आपको अगर याद होगा जब भी पबजी मोबाइल में ये गेम बैन हुआ था तो वहाँ पे गाइस आपको एक यूजर नाम से आईडी देखने को मिला होगा, तो काफी कम बंदों को ये चीज मालूम होगी। लेकिन हो सकता है आपको शायद मालूम हो तो आप कमेंट कर बताना आपको मालूम थी कि नहीं गाइस। तो वहाँ पे एक यूजर नाम से एक आईडी बना था जहाँ पे गाइस अगर आप उस यूजर आईडी के आईडी पे क्लिक करके वहाँ पे चेकआउट करते तो वहाँ पे एक मैसेज आता था कि दिस प्लेयर हैज बीन माइग्रेटेड टू बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। सो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ है कि बीजीएमआई में एक यूजर नाम से आईडी मिला है जिसका जो डेटा है वो ट्रांसफर हो गया है दूसरे एपीके में, मतलब जो एपीके है गूगल प्ले ऐप स्टोर पे आने वाला है ना उस एपीके में उसका डेटा ट्रांसफर हो चुका है। सो वो एक्चुअली कोई नॉर्मल बंदा नहीं है एंड ये इन गेम अपडेट है, इन गेम में मतलब आया हुआ है जो चीज़ है ये इन गेम में हो रही है। तो ये 100% श्योर है कि जो बैटल ग्राउंड की जो टीम है बैक साइड में वो इस चीज़ पे वर्क कर रही है, मतलब कि वो एक टेस्टिंग फेज पे चल रहा है। अब ये टेस्टिंग फेज जैसे ही कामयाब होगा आपको जो है नया एपीके देखने को मिलने वाला है अपने गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे। सो उसके लिए गाइस आप फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो कि जैसे ही आप एप्लीकेशन आएगा कैसे आपको मोबाइल डेटा ट्रांसफर करना है, क्या चीज़ें होने वाली है, कैसे वर्क करेंगी, उस चीज़ पे मैं वीडियो बना दूंगा। सो आप वीडियो देख के फटाफट जो है डाउनलोड कर लेना गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस अगर आप 11 नंबर पे बंदे के आओगे तो यहाँ पे देखो ये 10वें पेज आपको ये जो पॉपुलैरिटी में बंदा दिख रहा है 10 नंबर पर यूजर नाम पे, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो इसकी जो लेवल है गाइस वो 1 है एंड ये क्राउन पे है गाइस। एंड इस आईडी से गाइस 521 से भी ज्यादा मैचेस खेले जा चुके हैं, मतलब जो बीजीएमआई की जो बैक साइड में टीम है जो जिसको आप शायद टेस्टिंग टेस्टर या फिर डेवलपर बोल सकते हो, वो लोग गाइस ऑलरेडी इस पे ये जो गेम है इस पे बीजीएमआई में उन्होंने क्या किया, एक सिंपल सा आईडी बनाया, फिर उसको जो है जो नया एपीके लॉन्च होने वाला है गूगल एंड ऐप स्टोर पे उसमें जो है डेटा ट्रांसफर किया इसका। ठीक है, एंड वहां पे वो ये आईडी से गेम खेल रहे हैं ताकि उनको पता चल सके कि ये जो गेम है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। एंड इसके खास करके इस बार वो लोग सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे, जो बीजीएमआई की टीम से वो सिक्योरिटी पे ध्यान देगी एंड मैं भी यही बोलूंगा कि उनको सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। जो दो रीजंस दो बार जो बैन हुआ है वो दोनों भी नेशनल सिक्योरिटी को लेके थी। सो अभी ये लोग वही चेक कर रहे हैं कि मतलब बीजीएमआई गेम जो है प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं एंड जो इसके सर्वर है वो कैसे कहाँ पे होने चाहिए एंड प्रॉपरली चीजें कैसे वर्क करें ताकि आगे इन फ्यूचर जो दो बार गलती हो चुका है वो या फिर आप जो मतलब जो मिस्टेक्स हुए हैं, गलती नहीं बोल सकते, जो मिस्टेक्स हुए हैं जो भी रहेगा वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आगे, ये जो इस बार गेम आएगा इस एपीके में नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ इनको ध्यान देना है। सो ये लोग वो चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, जैसे ये टेस्ट कामयाब होगा एंड आपको यहाँ पे फिर जो है एपीके देखने को मिलने वाला है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस जो ये यूजर बंदा है, अगर आप इसके डिटेल्स में जाने की कोशिश करोगे, मतलब अगर आपको इसको चेक करना है स्टेटस चेक करना है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पे सिंपल लिख के आएगा कि दिस प्लेयर हैज बीन माइग्रेटेड टू बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, मतलब जो न्यू एपीके बन रहा है उसमें ऑलरेडी ये माइग्रेट हो चुका है एंड वहाँ पे गेम खेला जा चुका है, जो 500 मैचेस खेले वो सब वहाँ पे खेले गए, वो उस एप्लीकेशन में खेले गए गाइस। ठीक है, एंड अभी जो इसका जो लेवल है वो वहाँ पे बढ़ चुका है गाइस, यहाँ पे कम दिखा रहा है लेकिन वहाँ पे बढ़ चुका है उसका लेवल ये आईडी का। एंड जैसे ही गाइस ये उनको पता लगेगा गाइस हाँ चीजें प्रॉपरली चल रही हैं एंड हैकर्स वगैरह जो है इस गेम में चीजें को चिट वगैरह नहीं यूज कर सकते, वैसे ये लोग फिर एप्लीकेशन जो है लॉन्च करेंगे
एंड इनका जो भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, जो गवर्नमेंट के साथ जो लीगल जो बॉन्ड्स वगैरह जो भी रहेंगे वो सब वो लोग साइन ऑन करेंगे, उसके बाद ही ये एप्लीकेशन आएगा। तो अभी तो गाइज आप सपोज कर लो कि 2 महीना तो ये गेम आने वाला नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज जब लास्ट टाइम पबजी मोबाइल बैन हुआ था तो जब भी ये यूजर आईडी देखने को मिला था पबजी मोबाइल में, उसके 2 से 3 महीने बाद ही आपको जो है ये बीजीएमआई का जो गेम है आपको देखने को मिला था एपीके गाइस, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे। सो जल्दी गाइस गेम वापस आएगा, अभी के लिए गाइस आप यही कर सकते हो, गेम खेल सकते हो। एंड अगर आपको यूसी वगैरह परचेस करना है, रॉयल पास लेना है, तो आप जो रूटर एप्लीकेशन है वहां से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, एंड आप मिशन वगैरह कंप्लीट कर सकते हो गाइस, ठीक है। गेम अभी बैन नहीं हुआ इंडिया में, अगर बैन हुआ रहता तो इसके सर्वर भी हट गए रहते हैं, तो आप गेम को खेल सकते हो। यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया, वो था गेम के अपडेट को लेके गाइस। तो अपडेट गाइस आप इन गेम अपडेट आ जाएगा जहाँ से आप नॉर्मली अपडेट कर पाओगे, या फिर आप टैप टैप एप्लीकेशन है उससे भी आप जो है लेटेस्ट वर्जन इसका डाउनलोड कर पाओगे, जब भी आएगा तभी गाइस, ठीक है, उसमें आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड कमेंट करके बताओ गाइस आपका फीडबैक क्या है एंड बीजीएमआई कब तक वापस आएगा। बाय बाय, सी यू।